नमस्कार साथियों, ये अपने देवराज का फोटो उन्होंने बनाया है, निखिल भाई ने, अहमदाबाद वालों ने, बहुत सुंदर। सौभाग्य हमारा, घोड़े के साथ मेरा भी फोटो आया। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई को, थैंक यू। अब बेटा देख तेरा फोटो बनाया, देख देख तेरा फोटो है, देख रहा है ये भी। ठीक है भैया, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं कुछ अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे कुछ हॉर्स लवर भाई हैं, उन्होंने मेरे जो घोड़े हैं देवरूप देवराज, उनके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं, तो वो मैं आप सब साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या क्या चीज़ भेजी है और जिन्होंने गिफ्ट भेजे हैं उनको तह दिल से हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने इन घोड़ों को इतना पसंद किया, लाइक किया। तो ये छोटा सा जो चीज़ है, मैं देखता हूँ क्या भेजे हैं। चश्मा पहनना पड़ेगा, दिखता कम है। इनको भेजे तो कुछ टाइम हो गया, पर मेरे को भी समय नहीं मिला, तो आज इच्छा हो गई, मैंने कहा भाई ये इनको खोल के देखते हैं क्या क्या भेजा है। ये घोड़ों का वो है शो होल्डर, ये शायद शो में लगाने के लिए उन्होंने भेजा है। बहुत सुंदर लाल घोड़ा, उन्होंने क्या लिखा है, गणेश जी छोटा सा गिफ्ट प्यारे देवरूप के लिए, अगले शो में पहनाइए अखिलेश मल्होत्रा। ये उन्होंने भेजा है। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपने देवरूप के लिए जो गिफ्ट भेजा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर भेजा है। अच्छा, पूरा सेट है ये, बिल्कुल इसका यूज करेंगे अपन, शो में लगाएंगे, पीतल का अच्छा बना हुआ, शानदार लाज। थैंक यू दादा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको ऐसे ही वापस रख देते हैं, जब शो होगा और थोड़ा इधर देखिए, ये अपने उदयराज भाई हैं, उदयराज भाई, उन्होंने ये अपने हाथ से बना के भेजा, घोड़ों की लगाम है, लगाम की रस्सी है, उन्होंने बहुत मेहनत करके वो बनाई है, ये बहुत सुंदर अपने देवरूप के लिए। ये गुजरात से हैं और मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, गुजराज भाई हैं अगरिया अमरेली गुजरात से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराज भाई, आपने ये देवरूप के लिए भेजा, थैंक यू। और ये एक महाराष्ट्र से हैं, इनका नाम तो मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र में अपने सारंगखेड़ा के पास रहते हैं, उन्होंने ये लगाम का एक सेट रस्सी का ये बना के भेजा, उन्होंने करीब वो बता रहे थे 2 महीने में उन्होंने तैयार किया है, बहुत बारीक रस्सी ला के अपने हाथ से गूंद के बना के भेजा। ये प्लस 2 पछेड़ियाँ भेजी, पछेड़ी भी इतनी मजबूत है, बहुत मजबूत, वो मेरे रोज में घोड़े कवरिंग में वो पछेड़ियाँ यूज करता हूँ, बहुत मजबूत है। आज अच्छा खासा टाइम हो गया उनको, पर अभी तक खराब हुई नहीं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद,
उनका सॉरी मैं नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं और अच्छे हॉर्स लवर भाई हैं। उन्होंने ये अपने देवगुरु के लिए ये बना कर भेजा। और एक ये अपने आरिफ मिर्जा हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने ये पूरा सेट घोड़ों का अपने देवरूप के बना के भेजा था। शायद आपने एक वीडियो पहले देखा होगा, ये घोड़े का जैसे पीछे का है, पुट्ठे पे रखने का है, ये उसके छाती पे और पेट पे रखने का है। बहुत सुंदर बनाया, लाजवाब। ये उसका गले का जैसे हार है, ये पैरों में पहनाने के हैं, ऐसे चार हैं पीस। ये सिर के ऊपर, ये जैसे इस दोनों में कान निकल जाते हैं, और ये सिर पे पहनाने के लिए है। बहुत सुंदर उन्होंने अपने हाथ से बना के ये भेजे हैं। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने लिए तो सभी करते हैं, और घोड़ों के लिए और दूसरों के लिए करना ही सब कुछ है, उसमें ही हिम्मत का काम है। और अपने एक मित्र और हैं यूपी से, उन्होंने ये हॉर्स लवर भाइयों के लिए जब भी कभी पार्टी हो कुछ हो तो उसके लिए हुक्का भेजा है कि भैया आपके यहाँ कभी घोड़े वाले आते हैं तो कोई शौकीन हो तो उनके लिए ये हुक्का है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना के बनवाया है उन्होंने और भेजा है, अपने गिफ्ट में भेजा है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे रमेश भाई हैं अहमदाबाद से, उन्होंने अभी दो तीन महीने हो गए शायद, एक वो गाड़ी भी भेज रखी है अपने सुजुकी 4x4 है नाम में भी, क्रॉस ऐसा कुछ नाम है, गाड़ी भेज रखी है। भाई आप बालोतरा मेले में जाओ तो ये गाड़ी लेके जाना, और रास्ता मेले में वो रेती है और कच्चा है, तो भैया ये मेरे पास गाड़ी है, आप ये लेके जाना घूमने के लिए। तब से गाड़ी मेरे पास ही खड़ी है और उसका लोकल में भी यूज कर रहे हैं कि बालोतरा मेला तो जा नहीं पाए कि मेला इस बार अच्छा भरा नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है कि घोड़ों की वजह से लोग अपने को याद करते हैं। घोड़े अपन, मेरा आप सबको यही कहना है कि अच्छे घोड़े रखो, अच्छी उन घोड़ों की परवरिश करो, अच्छी लाइन के बच्चे बच्ची कहीं से भी ढूंढो, या कोई लोकल घोड़ी भी अपने पास हो तो अच्छे घोड़े से आप ब्रीड करवाओ, अच्छे बच्चे बच्ची उनसे पैदा हो, उनको मेहनत करो, उनको अच्छे तैयार करो, फिर कंपटीशन में लगाओ तो अच्छा रहेगा। बाकी ठीक है, प्रयास सबको करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इन सब मित्रों को जिन्होंने ये गिफ्ट भेजे हैं। और एक गिफ्ट और है, वो अभी अभी आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये निखिल भाई राजन हैं अहमदाबाद से, उन्होंने ये भेजा है। अब इसमें क्या है देखता हूँ। तो साथियों, मेरा तो यही कहना है कि अपन घोड़ों को अच्छा रखें, घोड़ों को अच्छे से खुश रखें, उनको अच्छे से लव करें। तो जानवरों की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, अपन अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। घोड़ों की सेवा करेंगे तो ऊपर वाला अपने साथ है, क्या बात है। इसमें सारे फोटो है, ये फोटो बना के भेजा आज से,
बहुत सुंदर, लाजवाब। हाथ से उन्होंने पेंटिंग बनाई, ये देवराज है और मेरा भी सौभाग्य है कि देवराज के साथ मेरा भी फोटो है। घोड़ों की वजह से अपनी पहचान है, बाकी अपने को कौन पहचानता आम आदमी की। तो आज घोड़े हैं, घोड़ों की वजह दुनिया पहचानती है। तो इनको भी, निखिल भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, लाजवाब। थैंक यू वेरी मच। मेरे को ज़्यादा बोलना आता नहीं, अपन सीधे सरल आदमी हैं, ज़्यादा जैसे सवाल जवाब ऐसा कुछ अपने को आता नहीं, अपन तो स्पोर्ट्समैन है। तो हो सकता है मेरे से कोई चूक रह गई हो, किसी और भी भाइयों के गिफ्ट आए हैं तो उनका नाम नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही घोड़ों के प्रति प्रेम बना रहे और ऐसा प्रेम हर घोड़े के प्रति बना रहे। ऐसा नहीं मेरे घोड़ों के साथ ही आप प्रेम करो, हर घोड़ों के साथ ऐसे ही प्रेम करते रहो, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये गाड़ी रमेश भाई ने भेजी है, उन्होंने कहा भाई कुछ दिन आप इसको चलाओ और घोड़ों की यात्रा में आपकी ये मदद करेगी, घूमो फिरो इस पे, सब जगह घोड़े देखने जाओ, कुछ सीखो और लोगों को सिखाने का प्रयास करो, जो सीख के आओ वो लोगों को बांटो। वो मैं प्रयास कर रहा हूँ, थैंक यू। रमेश भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस गाड़ी चलाने का मौका दिया, जब तक यहाँ है जब तक पूरा आनंद ले रहे हैं, थैंक यू।